हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फिर से कुछ दिवाली डेकोरेशन के लिए कुछ बनाते हैं। और ये एक मेरा डब्बा था, उसका एक ढक्कन है प्लास्टिक का। डब्बा टूट गया था तो ये ढक्कन बहुत दिन से पड़ा हुआ था। तो ऐसा दो है मेरे पास, ऐसे दोनों सेम ही साइज़ का, पर फिर भी एक हल्का सा बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा है। तो इसमें पहले अभी वाइट कलर करते हैं। मेरे पास पोस्टर कलर है, इसलिए ये प्लास्टिक का है, इसलिए इसमें फेविकॉल मिक्स करके कलर करना पड़ेगा, तभी लाइटिंग भी आएगा और ये ज़्यादा दिन चलेगा भी। तो चलिए पहले सिर्फ वाइट कलर करते हैं। ऐसे तो ये फैब्रिक कलर से होता तो ज़्यादा सुंदर बनता, लाइटिंग भी बहुत अच्छा रहता, लेकिन अभी तो मेरे पास फैब्रिक कलर है भी नहीं और ये पोस्टर कलर बहुत पुराना है, तो हमको इसको ख़त्म भी करना है। इसलिए हम अभी पोस्टर कलर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ये मेरा ख़त्म हो जाए और कुछ अच्छा बन भी जाए। तो चलिए पूरा कंप्लीट वाइट कलर करते हैं। तो ये देखिए वाइट कलर से इसको हम कर दिए हैं, और इसमें फेविकॉल और वाइट कलर मिक्स करके करने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि इस पर और जो हम डिज़ाइन करें उसका कलर अच्छे से चढ़े और उसमें साइन बना रहे। और जो बाकी और एक दूसरा ढक्कन था ये वाला, तो इसमें हम करेंगे येलो कलर, लाइट कलर कर रहे हैं वाइट येलो, ताकि ऊपर से हम डार्क कलर करेंगे, उससे डिज़ाइन बनाएंगे तो अच्छे से दिखे। और इसमें डायरेक्ट भी डिज़ाइन बन सकता था, लेकिन इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डल टाइप का था, तो वो ज़्यादा अच्छे से शो नहीं हो पाता, इसलिए इसमें वाइट कलर या फिर बोल सकते हैं कि इसके ऊपर से एक लेयर लाइट कलर का हम लोग को देना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी येलो कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों कलर हो चुका है, ये येलो और ये वाइट। अब ये लोग को दोनों को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक कि पूरी तरह से सूख नहीं जाता तब तक इसके ऊपर कोई डिज़ाइन बनेगा नहीं, वरना ये मिक्स हो जाएगा कलर और जो कलर हमको चाहिए वो कलर मिलेगा नहीं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाइट में तो आपको जो कलर करना है वो कलर सेम नज़र आ जाएगा, लेकिन येलो पे जब हम लोग ब्लू कलर करेंगे तो वो ग्रीन नज़र आएगा। तो वो उसको देखते हुए आप लोगों को कलर करना है, कि कहीं ऐसा ना हो कि चाहिए आप लोगों को ब्लू और वो ग्रीन होता जा रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, येलो और ब्लू मिक्स करने से ग्रीन कलर बन जाता है। तो चलिए ये सबको सूखने देते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर से कोई डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये वाला सूख गया है, और बहुत देर तक सोचने के बाद कि इसके ऊपर अब कैसा डिज़ाइन बनाया जाए, तो वो हमको कुछ समझ नहीं आया। तो लास्ट में आप देख सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें पहले से ही कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। तो हम सोचे क्या ये थोड़ा सा हल्का सा उभार है, तो अगर इसमें डार्क से लाइट करते हुए यहाँ तक डार्क से लाइट कलर अगर करते हैं तो शायद अच्छा लगेगा। और ये कुछ पंखुड़ी का शेप बना हुआ है, तो वैसे ही हम लोग इसको फ्लावर बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये अंदर का डिज़ाइन बहुत ही छोटा छोटा है, तो हमको चाहिए सबसे इसमें से सबसे छोटा ब्रश, जो कि एकदम 00 या 000 हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ एक ब्रश दिख रहा है, हाँ इस ब्रश से काम से हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो जैसा कि बोले कि पहले डार्क उसके बाद लाइट कलर हम लोग करेंगे, तो अभी हम करेंगे ब्लू कलर से। और ये पोस्टर कलर है इसलिए हम इसमें पानी यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही करेंगे, ताकि ये इसका चमक बना रहे। पानी मिक्स करने से ये थोड़ा सा मतलब इसका साइन कम हो जाता है, इसलिए बिना पानी मिक्स किए ब्लू कलर लेंगे और डायरेक्ट ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर से एक बार ये बन चुका है। ऐसे प्लास्टिक पे अगर कलर करते हैं ना, तो फैब्रिक कलर से कलर करना चाहिए, ताकि आप बारिश धूप कहीं भी मतलब आंगन में भी आप इसको रख सकते हैं। लेकिन हमको बनाने का बहुत मन था और इंतज़ार भी नहीं हो रहा था, तो हम फैब्रिक कलर लाने नहीं गए मार्केट, और जो था उसी से बनाना स्टार्ट कर दिया। आप लोग कोशिश करिएगा फैब्रिक कलर से बनाने का, ताकि इसको अगर
आंगन वाले एरिया में भी अगर हम रखना चाहें तो आराम से रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। तो अभी तक इतना कलर हुआ है ये, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसलिए हमको थोड़ा टाइम लग जा रहा है। और इसका जो पैटर्न बना हुआ है ना वो जैसे तैसे बना हुआ है, पहले हम सही से ध्यान नहीं दिए कि वो पूरा है या नहीं अच्छे से। अभी जब बना रहे तो वो लाइन से नहीं है, जिसके वजह से देखिए यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया, फिर यहाँ पे ये नीचे चला गया। ये सब हमको मतलब अगर खुद से करते तो ये पूरा बराबर होता है, लेकिन उसमें पहले से ही प्रिंट था इसलिए हम सोचे चलो उसी पे करते हैं। जब कलर करने लगे तब पता चला ये गलत दिया हुआ है, तब पर भी कोई बात नहीं, फिर भी इसको करते हैं और सुंदर ही बनाते हैं, देखते हैं सुंदर बनाने का ही कोशिश करेंगे। तो पूरा करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बना है, ठीक है। तो इतना दूर कलर करने पे ये कुछ ऐसा लग रहा है, हालांकि जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं बना है, क्योंकि इसका जो पैटर्न था वो सब गलत गलत दिया हुआ था तो एक लाइन से नहीं बन पाया। फिर भी कोशिश किए हैं कि कुछ सुंदर ही बने, देखते हैं अब आगे। अब ये कुछ इस कलर का हो चुका है। अब इसका जो साइड है ये वाला, यहाँ कुछ उभार है ऊपर, ये ऐसे पकड़ने वाला ढक्कन था ना, तो इधर का जो एरिया है इसमें हम येलो कलर करते हैं। तो ठीक है, इस साइड येलो कलर कंप्लीट हो चुका है, अब इसको करते हैं रेड कलर से। तो अब यहाँ तक तो कंप्लीट कलर हो चुका है, वो जो येलो किए थे यहाँ पे उसमें डॉट डॉट रेड कलर कर दिए हैं, यहाँ तक तो ठीक ही लग रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं कि पोस्टर कलर से करने के बावजूद भी इसमें चमक बना हुआ है। रीजन सिर्फ इतना ही है कि पहले वाइट कलर किए हैं फेविकॉल डाल के, और अभी जो भी कलर यूज़ कर रहे हैं वो हम बिना पानी मिलाए यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसका ये वाला कलर करते हैं। तो ये पूरा कलर हो चुका है, और ये बीच में कुछ ज़्यादा ही बारीक हो गया था, छोटा छोटा, इसलिए ये इस बाहर वाला एरिया हम थोड़ा सा बड़ा साइज का रखे हैं, और इसको अभी चमकाना बाकी है इसलिए और ज़्यादा हम कुछ इस पर कलर से नहीं किए हैं। अब इसके आगे और कुछ और करेंगे। तो ये अब पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसमें अब और कुछ नहीं करेंगे। जैसा हम सोचे थे वैसा तो नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी ये सुंदर ही लग रहा है। ऐसे नॉर्मल एक ढक्कन था तो आप इसको फेंक ही देते, तो उससे अच्छा ऐसे डेकोरेशन करके ऐसे कहीं भी दीवार में इसको आप हैंग कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये भी हम करके दिखाएंगे, वो येलो वाला जो किए थे वो भी पहले पूरा बन जाए, उसके बाद हम दोनों एक साथ लगा कर दिखाएंगे कि ये कैसा लगता है देखने में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगर पसंद आए तो, ऐसे तो हम लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं बोलते हैं क्योंकि हमको पता है कि सब मेरे अपने ही लोग देख रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सअप स्टेटस पे हम वीडियो इसका लिंक हम डाल देते हैं, तो सारे लोग तो अपने ही हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू।